रेडी है? बाल ठीक कर, बाल बाल ठीक कर। स्माइल पब्लिक लिमिटेड है, आंसू प्राइवेट लिमिटेड है। द बेस्ट थिंग अबाउट आवर फ्रेंडशिप इज के हम दोनों इक्वली बन जाते हैं व्हेन इट कम्स टू समथिंग इंटेलेक्चुअल और हार्डली कोई एज डिफरेंस है यार। हमेशा यहाँ पर आऊँ तो इससे मिलूँ, बट ये कभी नहीं आता मुझसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्त्रिया काल, केम चन, वेलकम टू वायरल टेलीविजन एंड बॉलीवुड टाइम्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनमशेक आपके साथ। आज हमारे साथ है मेरे फेवरेट अक्षिता एंड परम, जिन्हें हम फैमिली ही कहते हैं, और आप देख सकते हैं ये अपने में ही कितने खुश नज़र आ रहे हैं और बड़े ही प्यार से पिक्चर्स ले रहे हैं। तो गाइस, वेलकम टू वायरल टेलीविजन। वायरल टेलीविजन, ये पकड़ना है, पकड़। नहीं, मैं पकड़। ओके, तो आज हम सब जानते हैं कि फैंस आपको एक साल से सुनने के लिए तरस रहे हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप दोनों साथ में कोई स्टोरीज पोस्ट करो, कोई रील बनाओ, लेकिन आप करते ही नहीं हो। ये नहीं करता, ये मुझे मिलती नहीं, मैं मिलती हूँ तो नहीं मिलती अभी। मैं सपनों में भी मिलती लोगों को। बीच में कुछ था इसका कमिटमेंट काम का, तो अभी वो बट स्टिल मैं उसके अलावा भी मिलने की कोशिश करती हूँ, बट ये बिजी रहता है। एंड ही इज लाइक, मैं मक्खी मेरे पे, मैं नहा के, ये मक्खी मेरे पे क्यों बैठ रही है यार? मैं हमेशा यहाँ पर आऊँ तो इससे मिलूँ, बट ये कभी नहीं आता मुझसे मिलने। मैं क्यों मीरा रोड जाऊँ? मीरा रोड कहाँ रहती हूँ मैं? मलाड। बट मैं बताना नहीं है सबको, बट एक मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। मैं इन ऑर्बिट में उस दिन गया, मॉल गया था। बंदा मुझे आधे घंटे पहले फोन कर रहा है, जब पहुंच गया है वहां पे तब इसका फोन आया, मैं सो रही थी तब। 12:30 इन द आफ्टरनून, बिकॉज आई स्लेप्ट इन द मॉर्निंग अराउंड 6:30 मैं सोई थी, तो मैं 12 बजे सो रही थी उस दिन। करते हैं आप, लेकिन तीन साल कैसे हो गए? दो तीन साल, एक साल हो गया। अच्छा, तू एक साल जो तेरे को मेरे पे क्रश था वो वाला, उससे पहले मैं बात कर रही हूँ कि इश्क पर जोड़ने के टाइम से लेके आज तक ये वहाँ पे पहली बार आया है। अच्छा, तू हमें 3 साल हो गए एक दूसरे को जान के। टाइम भाग रहा है यार, मेरे को बहुत काम है, बहुत टेंशन है मुझे। सो मेरा एक सवाल है आपसे, जहाँ पे फैंस ने ये सवाल पूछा था और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि परम जो है दूसरों के साथ बहुत मैच्योर बिहेव करता है जितना फैंस ने देखा है, ठीक है, लेकिन जब वो अक्षिता से मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं एंड बहुत खुश होते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा मुझे अक्षिता, हाँ 100% अक्षिता का ही कुछ होगा। मुझे पता नहीं, मैं यहाँ से जब आ रहा था ना, अभी मेरी लड़ाई भी हुई किसी से, मैं थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रेस में था, बट जैसे ही मैं इसको देखता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है, और मैं अपने आप एक कॉलेज को जैसे बात करने लगता, पता नहीं अक्षिता में ही कुछ है लगता है, कुछ बचकान चीज़ें, मतलब दोस्ती कुछ चाम है अक्षिता में, कोई चाम है शायद, मैं वैसे बन जाता हूँ। लेकिन तू मेरे साथ रह के कभी मैच्योर क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं तुम्हें अपने जैसा बना लेती, तो मैं तुम्हारे जैसा क्यों बनूं? बट मैं बनती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है। मतलब एक्चुअली द बेस्ट थिंग अबाउट आवर फ्रेंडशिप इज के हम दोनों इक्वली बन जाते हैं व्हेन इट कम्स टू समथिंग इंटेलेक्चुअल और हार्डली कोई एज डिफरेंस है यार। देखा, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों अपने रियल साइड दिखाते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के, जब आप सामने होते एक दूसरे के, राइट? हाँ, एक्चुअली मेरा तो मैं तो सबके सामने दिखाता हूँ, इसके सामने भी दिखा। स्माइल पब्लिक लिमिटेड है, आंसू प्राइवेट लिमिटेड है। कौन सा डायलॉग था ये? क्या है ये डायलॉग है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके। तो अब हम आपके साथ, जैसे फैंस को सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आप लोगों के स्पेशली, और बहुत हंसते हैं वो क्योंकि आपकी केमिस्ट्री उन्हें बहुत प्यारी लगती है, दोस्ती वाली। तो यहाँ पे हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। रेडी हैं आप परम? अच्छा, मैं क्यों रेडी है? मैंने बोला रेडी। अच्छा, मैं भी रेडी। रेडी है? बाल ठीक कर, बाल बाल ठीक कर। ओके, चलिए सबसे पहला सवाल है, नेवर हैव आई एवर सेंड अ नॉटी टेक्स्ट टू द रॉन्ग पर्सन। आई हैव नेवर डन दैट। नेवर? हां, कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब आदमी सच नेवर एवर है वो, इसका मतलब किसी जानबूझकर किसी को करके गलती से, गलती से किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, नॉटी टेक्स्ट, नेवर नेवर, नेवर। हां, ओके, आई हैव नेवर।
नहीं ओके चलो. नेवर हैव आई एवर वॉच सी ग्रेड मूवीज. कैसी बातें कर रही है ये? ऑब्वियसली तूने देखी है. मैंने नहीं देखी है. मैं हार्डली बहुत अच्छी एक्चुअली. मैं ना जो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो काफी अच्छे मूवीज देखते हैं, मैं उनसे सजेशन लेती हूँ. इसने भी काफी मूवीज के सजेशन दिए, तो मैं वही देखती हूँ अच्छी मूवीज. सीक्रेट मूवीज का मतलब क्या है? क्या है मुझे भी नहीं पता. वो वाली टाइप की फिल्म्स हैं, ब्लू फिल्म्स और सम लाइक के बहुत ही ज्यादा ओवर मतलब के वाहियात. नहीं ऐसी फिल्म्स नहीं देखी है. मैंने नहीं देखी. ओके थोड़ा सा सिनेमा देखते में मजा आता है. या ओके. नेवर हैव आई एवर गिवन अ फेक नंबर. नेवर. आई हैव नेवर. मैं देने को भी जाती हूँ, अगर मुझे अपना नंबर नहीं देना तो अपनी मॉम का नंबर दे देती हूँ, बट मैंने गलत. मुझे डर लगता है क्योंकि वो लोग उसी टाइम पे डायल करने लग जाते हैं ना. हाँ, हाँ, हाँ. आया आपको, आया आपको. हाँ, वही तो. जो इंसान इतना अच्छे से झूठ बोलता है उसको अच्छे से कवर अप करना भी आता है, तो सोच के चलता है लड़का. क्या तो आपने मतलब दिया है? कैसी लड़की है? ओके. नेवर हैव आई एवर गूगल योरसेल्फ. कितनी बार? मैंने लास्ट किया था एक दो हफ्ते पहले. हाँ सेम सेम, दो हफ्ते में एक बार. नहीं महीने में एक बार कर लेता हूँ मैं कि कुछ कैसा कौन सी फोटोज है. एग्जैक्टली वो जो कवर फोटोज में अक्सर बेकार फोटोज होती हैं, तो मैं वही देखती हूँ कब चेंज होंगी. करेक्ट. सो दैट इन अ वीक. ओके. नेवर हैव आई एवर फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन. या ओह ऑलवेज. अरे क्या है अक्षिता? मुझे सब याद है इसका. बर्थ डेट? 9 जुलाई. ओके. 2005. 2019 कर देते हैं. मुझे कर देता. मैंने कभी नहीं किया. मैं तो अच्छा आज कैसी लग रही है अक्षता? वेटर आज मानो सच नहीं बोलना. इतना सच नहीं बोलना. सच बोल रहा है. अच्छी लग रही है. मन बोलता. नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता देख रहे हो आपको कि अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दे सके. अच्छी लग रही है. अच्छी लग रही है. दिन में सोचना पड़े तो मतलब नहीं लगी. इट्स ओके. पर आज मैं एग्री करती हूं, मैं अच्छी नहीं लगती. नहीं नहीं बहुत अच्छी है. अच्छा. ओके. नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन अ पार्टनर. पार्टनर तो मिले. ए बी पार्टनर तो मिले. बट चीट बट आई विल नेवर. आई मीन बिलीव इन कमिटमेंट. वाओ. सो व्हेन आई विल बी वेरी श्योर आई विल गेट मैरिड एंड इफ आई गेट मैरिड तो चांस ही नहीं है कि चल चल फिर क्या होता है. चल फिर. मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन यू डिसाइड ना कि मतलब आगे आके माइक यहां. हां मतलब कभी कुछ भी हो सकता है लाइफ में. ओके. बट मैं तो नहीं करना चाहूंगा. ओके. आई विल नेवर हैव आई एवर डांस्ड ऑन अ टेबल. ए सो मेनी टाइम्स यार. या आई हैव. ड्यू में किया. तूने ड्यू में किया टेबल पे? पता नहीं मुझे क्या हुआ था. कोई भी गाना बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं माइक पकड़ के बोलो तारा रारा और इन सब इन सच अ वे कि वो बहुत फनी लग रहा था. एंड वहां से आने के बाद भी ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन माय क्रू लक्ष्य ले लो. हांडे की बात नहीं हुई यार. हांडा. हांडे की बात नहीं. ये हांडा बहुत फेमस होता है. हां है ना. हांडा है बंदा फेमस होता है क्या? हांडा फेमस है. उसको ये क्वेश्चन पूछो चीट वीट के. वो बेचारा जवाब ही नहीं देगा. सो हां तब ये बड़ा फनी. बट ऐसा डांस वांस हमने बेड पे चढ़ा. परम आप मैंने भी किया. इसने भी किया. ओके. नेवर हैव आई एवर फॉलन अस्लीप इन पब्लिक. आई हैव. शूट पे इतने टाइम तक कभी बैठे बैठे मेरी आंखें लग जाती है. इसकी भी तो बहुत हुआ है.
कैसी बातें करती है तू, कुछ भी बोल देती है, कैमरा ऑन है, कुछ भी जो मुंह में बोलना है। अरे सोचो पहले, क्यों सोचे, तुम सोचते हो, देखो सोचो। प्लेन प्लेन में सो जाता हूँ कभी, अगर थक गया 10 मिनट के लिए पावर नैप ले लिया, उसमें सोने में गलत क्या है? मैंने कब बोला गलत है? आगे मैंने कब बोला? ओके, नेवर हैव आई एवर रेड अ पार्टनर्स ईमेल। पार्टनर तो हो, एक तो तेरे पास नहीं, झूठ बोलने की जो आदत है ना, दूसरी बार तुम्हारी भी है। क्या मैंने तो सीधा बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, ये जो बोला वो क्या बोला? ओह गॉड, मैं ईमेल खुद के ही नहीं पढ़ती, किसी और के क्या पढूं। हां वेरी ट्रू, मैं खुद के ही नहीं पढ़ती। कौन सा ईमेल कर दिया तुमने मुझे, मैंने तो पढ़ लिया। मुझे कोई मार दो यार, मुझे भी मार दो। जी हां, नहीं नहीं मैं भी सेम, पार्टनर तो हो। अच्छा, मैंने तो पढ़ा है, मतलब उनका कोई ऐसे बिना पूछे ना, हाँ, उनसे हाँ, हाँ। उनका ईमेल नहीं, उनका उनसे बिना पूछे, वही वही क्वेश्चन है ना कि उनसे, हाँ। उनका फोन पढ़ा है, ईमेल नहीं व्हाट्सएप पढ़ा है और मैसेजेस पढ़ा, मैं नहीं पढ़ती। और पकड़े गए लोग, अरे बाप रे, तुम खुद भी पकड़े गए हो। पहले पार्टनर तो। ओके, नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी। इंसान जनहित में जा रही, एज दिख जाती है। ऐसे किसी को नहीं पता हो जो आपने बताया? जब मुझे मिला था उसने बोला था कि वो 23 इयर्स है। क्या झूठ बोल रही है? कुछ भी बोल रही है, कुछ भी नहीं, सच्ची बात है कि झूठ बात है, मजाक नहीं कहा। नहीं कहा। ओके, पूछा ही नहीं, बच गया, पूछो। हाँ अभी बताना पड़ेगा। बोला है, बोला है। नहीं जब अक्षिता ने कह दिया तो मुझे लगा कि सच है वो। बोला है मैंने, लेकिन फिर मैं सच भी बोल देता हूँ 10-15 मिनट बाद। तुम्हें पता है इंसान गूगल कर लेगा, जिप पकड़ा जाएगा। इसने का गूगल पे भी राइट है, गूगल पे भी एक दो साल कम है। नहीं गूगल पे भी पता, कुछ भी मतलब वो अर्नव का कुछ भी मतलब कुछ भी वैसे गूगल पे फेक। गूगल पे भी फेक, गूगल पे, गूगल पे कम दिखाई है, ए, ज़्यादा दिखाई है। गूगल पे क्या है वैसे वो भी नहीं पता मुझे। ओके, नेवर हैव आई एवर बीन अवेक फॉर 24 स्ट्रेट आवर्स और मोर। आई हैव 24 घंटे से ज्यादा जागे हैं। टू डेज। कैसे? शूट किया है। क्या बात है, फिर अपने आप को जगा के कैसे रखा, मतलब कि कुछ तो चाहिए होता होगा ना। और मैं तो ऐसे 28 केजीज के लहंगों में, ज्वेलरी में, बाप रे, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही ऑकवर्ड था, बट हां कर लिया। मैं थोड़ी सी है, मुझे नींद का इशू। ओके, बहुत कम होता है जब मेरी नींद स्लीप साइकिल प्रॉपर होती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा हैमर होती है। ओके, नेवर हैव आई एवर कट माय ओन हेयर। ओन हेयर नहीं। लॉकडाउन में, लॉकडाउन में मेरी बहन ने काटे थे पूरे ऐसे। अच्छा, क्यों हो गया था? हाँ, हाँ, मैंने कहा मेरे बाल में को थोड़े से वो देना क्रू कट, उसने जीरो कर दिया था, फुल टकला हो गया। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नेवर हैव आई एवर गूगल्ड समवन बिफोर अ डेट। अक्षिता कीड़ा काटा। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस, नेवर हैव आई एवर लाइड इन एन इंटरव्यू। आई डोंट थिंक सो, ये सच बोला कि नहीं बोला, ये चीज भी छोटे मोटे झूठ बोले होंगे यार, ऐसा मेजर नहीं। और इस तुम्हारे साथ तो हमने कभी झूठ नहीं बोला। पक्का?
100%. ओके हम दोनों एक्चुअली इंटरव्यू जाते हैं तो बहुत ही अनफिल्टर्ड होता है. हम झूठी कौन सा झूठ क्या झूठ बोलेंगे. कभी कभी ऐसे झूठ बोला है मैंने. कभी कभी किसी को एक्टर जिसके साथ इतना वो ना हो और आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हर एंड या इट वाज वेरी नाइस वेरी स्वीट टू मी वी ईट टुगेदर एंड यू नो लाइक वी टॉक सो मच. मेरे लिए ऐसा को-एक्टर वाला नहीं हुआ है क्योंकि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड को-एक्टर्स. हर कोई या परम बाकी शोज के भी जितने थे सब बहुत स्वीट है. सबसे बेस्ट को-एक्टर यू कांट आस्क मी दिस कम ऑन. क्यों ऑब्वियसली हितेश. हितेश इज अ स्वीट हार्ट बट इवन हिम मतलब दोनों के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है. मेरे से सबसे ज्यादा मेरे से पूछना ये सवाल. सेम परम आपका फेवरेट को स्टार कौन है जिनके साथ बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी हो. एक सेकंड. अरे क्या कर रही है पागल है क्या. मेरे को सोचना इसको ले जाओ यार. मेरा तो ऑब्वियसली एक ही है. कौन. मेरे फर्स्ट शो में था. कौन. साडा कौन. उसका नाम है अंकित. तू नहीं जान. मैं नहीं जान. वो तीन दिन के लिए आया था. वो आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है. सो स्वीट. दिस हैपेंस वेरी रेयर. वेरी रेयर. मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड बन गया था तीन ही दिन. अक्षता कौन से नंबर पे. फोर्थ. एंड आपके लिस्ट में परम. सेकंड. नाइंथ. 22nd. आई हेट टू से दिस वाज फर्स्ट. ओ सो स्वीट. लिस्ट में टोटल चार लोग हैं क्या. कुछ भी फोर्थ मुझे ना गिनाना इंटरव्यू के बाद में फोर्थ पे आती हूँ. उसके पहले टॉप थ्री पे कौन है. टॉप पे यार. टॉप है ये. टॉप फर्स्ट ये है फिर सब लोग बाकी दुनिया बाद. अच्छा अब तो पता चल गया हम झूठ बोलते हैं कभी. अच्छा मुझे ये सवाल मुझे पता सबके अंदर मन में भी यही सवाल होगा फैंस के जब आपका ये इंटरव्यू देखेंगे. सेम आउटफिट आप हमेशा कैसे पहन लेते हैं. लास्ट टाइम भी पहना था. यस लास्ट टाइम भी मैचिंग था. उससे पहले भी मैचिंग था. हां इसने वाइट नहीं इसने ब्लैक पहना था. यस बट वी टॉकिंग अबाउट यहां वाला इंटरव्यू. टॉकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सा वाला. आपकी बर्थडे वाला. नहीं नहीं बर्थडे पे तब भी कहाँ सेम था. एक बार अच्छा फन जोन जब महाराजा बुक गए थे तब से जब हम लोग फन जोन गए थे तब सेम. आज पता नहीं कैसे मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे वाइट ब्लैक पहन के आ गए. ये भी वाइट ब्लैक पहन के आ गए. पता नहीं कनेक्शन इससे कुछ होता है. ऐसे कनेक्शन होता है ऐसे कहते हैं ना डेस्टिनी. सच्ची कनेक्शन होता है. कनेक्शन होता है वो बोलते हैं ना. वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको इशारे देती है. बीच में पॉज आता है ना वो. नहीं वो चिड़ियों की आवाज आती है. नहीं क्रिकेट्स की आवाज आती है. वो इसमें मीम बनेगा. सच में मजाक नहीं कर रही हूँ. हाँ ठीक है ठीक है. मुझे अब लास्ट सवाल पूछना है. अभी पक्का लास्ट है ठीक है. फैंस एक साल हो गया हमने लास्ट इंटरव्यू अक्षता के बर्थडे पे किया था. फैंस आपको अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितने भी परक्षिता फैंस हैं. आपके सोलो फैंस हैं. आपके सोलो फैंस हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि इतना प्यार अभी तक आपको मिल रहा है. मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि जो इतने लंबे समय तक कोई फैंडम चल रहा हो और आज तक इतने सारे डिमांड्स आते हैं आप लोगों के लिए स्पेशली परक्षिता फैंस के लिए तो क्या कहना है वो मतलब अपने बर्थडे पे बुला ले सबको. उनको सबको एक पप्पी जप्पी दे है ना. एक्चुअली काम करते हैं मेरे बर्थडे पे ना. ऐसा फैंस को बुला फैंस को बुला सकते हैं मिलने. तुम एक ग्राउंड बुक करो साथ में. हां एक गार्डन वार्डन या ग्राउंड बुक करो. सबको मिलते परक्षिता के जितने फैंस है ना सबको बुलाया जाए. सबको प्यार दिया जाए. बहुत गंदा. वैसे मैं एक आईडिया दूं. आप लोग लाइव क्यों नहीं जाते हो इंस्टाग्राम पे. आईडिया आप लाइव जाइए. हां है ना. आप दोनों लाइव जाओ बर्थडे के दिन. पक्का पहले से एक स्टोरी पोस्ट कर देना ताकि फैंंस रेडी रहे. 3 घंटे पहले देयर बी शूटिंग उसके बाद आई डिपेंड टू गो समवेयर उसके बाद मैं फ्री हूं. बट ऐसे 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 क्या बहुत लोगों का होता है ना ये जैसे जोड़ी कोई हिट हो जाती है. हां लेकिन इतनी लंबी कोई नहीं चलती जितनी आपकी चल रही है. आई थिंक क्या होगा यार ये कुछ तो होगा. इसका क्या आंसर है. मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है. अच्छा आपको एक चीज दिखाती हूँ आप देख के थोड़ा सा वेरी ऑर्गेनिक आपको अच्छा लगेगा. फैंस के जो सवाल होते हैं ना
वो हमने मंगाए थे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछे थे, तो मैं आपको उसमें से एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। नट नहीं चल रहा है, एसी भी नहीं चल रहा है। एक्चुअली आपका एसी भी नहीं चल रहा है। ये देखो, दिख रहा है आपको सारे स्क्रीनशॉट, कितने सारे फैंस ने आप लोगों के कितने सारे सवाल पूछे अभी तक। देखो इतने, हु इज मोर केयरिंग, हु गेट्स एंग्री मोर, हु इज मोर केयरिंग, केयरिंग मी, हु गेट्स एंग्री मोर, हिम। लिसन, यू ओनली ना, शट अप। मैं का गुस्सा होता हूं। हु गेट्स जेलस मोर, प्रोबब्ली मी। नो, हु इज मोर लॉयल, मी। लॉयल, लॉयल एज इन फ्रेंडशिप, इन जनरल। हु इज मोर मस्कुलर, ऑब्वियसली। ओके, दे बोथ लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। थैंक यू परीक्षिता, डोज प्लीज। देखा, ये डोज तो मेरे पास रोज मैसेज आ जाते हैं। ये सानिया से, अच्छा ये पढ़ लो, ये फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है, परम अक्षता से शादी कर लो। इतना लकी नहीं है ये शादी करने के लिए, इतना लकी थोड़ी है। देखो कितने सारे सवाल है यार, ये ऐसे मैसेजेस आते हैं मुझे बहुत। आज कक्षिता कि उनका और रजत के प्रोजेक्ट कब आएंगे, वो तो हम भी वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। परम की बेस्ट फ्रेंड कौन है? बहुत सारी हैं। अगेन आई एम ऑन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और नोवेयर इन द लिस्ट। परम का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक ही है, परम को। ये देखो कितने सारे परीक्षिता मैसेजेस आए हैं अभी तक। आप लोगों को कितने फैंस चाहते हैं सर? थैंक यू। तो फैंस से क्या कहना चाहेंगे, जवाब दे दीजिए। जवाब मैं वही सोच रही हूँ कि इतने सारे प्यार का जवाब क्या ही दिया जा सकता है, बट आई थिंक इट्स मे बी, मुझे लगता है कि आपका प्योर बॉन्ड है। द फ्रेंडशिप इज वेरी ऑर्गेनिक और समथिंग। इंटरव्यूज और द शो, मैं तो ये सोचता हूं, इट्स द व्लॉग आई वुड से मोर। तो डू वी नीड टू थैंक स्काई, अर्पित एंड नवाज? नवाज आई थिंक, या ऑल ऑफ देम, बिकॉज़ ऑफ देम, अनम स्पेशली, और बहुत सारे लोग। अच्छा, ये सब कौन थे इससे पहले? दो ये जो सेट पे व्लॉग्स बनाते थे ना। अच्छा, सो बिकॉज़ ऑफ देम आई थिंक लोगों को हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड देखने मिला, वरना स्टोरीज और इंस्टा की स्टोरीज में यू डोंट गेट टू सी मच। पता है ऐसा होता है कि जब आपका शो शुरू होता है ना, आपकी बॉन्ड सब लोग बहुत अच्छा दिखाते हैं, अरे हम तो बेस्ट फ्रेंड है, जन्मों जन्मों के साथ ही। जैसे ही शो खत्म होता है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, मैक्सिमम छह महीना, फिर खत्म। आप कौन, हम कौन? बट मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि आई थिंक ये हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने रिश्ते को कैसे निभाते हैं। और मेरा हमेशा से फिक्स है, अगर मैं कोई रिश्ता बनाती हूँ तो फिर वो मेरी गारंटी कि मैं कैसे चलाऊँ। एंड ऑब्वियसली अगर सामने वाला उतना ही रेसिप्रोकेट नहीं करेगा तो शायद नहीं चलेगा, बट इफ सामने वाला भी अच्छे से रेसिप्रोकेट कर रहा है तो कोई भी रिश्ता चलता है यार। करेक्ट। आई थिंक इट्स अस, इट्स नॉट द शो और शोइज्म, लोग प्रिटेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। तो शायद इसीलिए फैंस कनेक्टेड हो, क्योंकि आप दोनों प्योर है और आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इनिशियली मुझे लगा नहीं था मेरी परम से इतनी पटेगी या इन्वेस्टमेंट में, तो कभी नहीं लगा। शो में मिलने के बाद नहीं, इससे नहीं जमेगा, नहीं जमानु। मेरे से जिसका नहीं जमता ना, समझ लो उसमें ही कुछ खोट होगा। मेरा जम गया ना, तेरा तो कोट ही नहीं है ना। अच्छा, ये अभी तक आदत नहीं है चिन पे हाथ लगाने की? क्या करूँ यार, मेरे पास कोई कुछ खेल नहीं है। मैं तो पता है इनको थैंक यू ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे अभी मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, जैसे रुपेश टिल्लू एक नाम सर है, उनकी वर्कशॉप कर रहा था, वहाँ पे हमारे मेरे और इसके फैंस परीक्षिता फैंस ना, उनको भी टैग कर रहे, तो वो मुझे पूछ रहे कि यार व्हाट इज दिस परीक्षिता। मैंने कहा क्या, तो कोई वीडियो गई उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरी जो पार्टनर बनी थी नेहा, उसको ऐड कर लिया, उससे बातें कर रहे, वो कह रही ये कौन सा फैंडम है। मैंने कहा मैंने एक शो किया था यार, और मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है अक्षिता, बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, तो दे लाइक मी एंड हर टुगेदर, तो मेरे रील्स भी उसके साथ, तो मैं क्या बोलूँ, मैं यही बोल सकता हूँ थैंक यू यार, मतलब क्या ही। और सेम इंसिडेंट अक्षिता के साथ हुआ, जहाँ पर एक उनकी पार्टी में मिली थी दोस्त, बोलती थी या इट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, तो मैं लोखंडवाला में ही थी, तो मेरा फोन आया था मुझे,
नहीं आया था ये है बिकॉज यार इसके 11:30 का टाइम था और ये सो जाता है, मुझे पता है, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया. तो आई एंटर्ड इन द पार्टी, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरीवन कि शी इज एन एक्टर. सो देयर वाज वन गर्ल शी इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, नाम नहीं लूंगी आपको बताऊंगी. अरे लीना के और वो उसकी शक्ल पे देखा था इतना खुश एंड शी वाज लाइक बुला लो ना परम को मीट हिम नो. मैंने उसको झूठ बोला, मैं नीचे कुछ काम से आई थी, मैं ऐसे की नहीं कुछ नहीं परम उसे मैं खुद मिली परसों पहली बार. तो वो तो इतनी उदास हो गई कि अच्छा ओके मिलवा दो आप लोग दोनों साथ में इतने. सो शी वाज सो हैप्पी. जैसे कोई कोई लोग अपसेट भी हो जाते कि जो हम बोलते हैं ना हम दोस्ती है, हाँ. तो कोई कोई लोग ऐसे, मैं खुद हो जाती हूं. जैसे जो मेरी फ्रेंड है ना मैं खुद हो जाती हूं. जैसे मेरी वो फ्रेंड है, मैंने मेरा बस चला तो यहीं पर ही मैं बोलूं पंडित जी आ जाओ, तो मेरी मेरी फ्रेंड बोलती है ऐसे करने लग गई, तो यू आर डेटिंग हर ना, यू यू वर्ड. मैंने कहा नो कुछ भी नहीं था ऐसे. अरे कम ऑन यार, यू डोंट टू से. मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि लड़का लड़की है ना दोस्त हो सकते हैं अच्छे फ्रेंड्स. और मुझे भी एक्चुअली नहीं होता था ऑनेस्टली में, मुझे भी ऐसा लगता था इसके सारे दोस्त चलिए फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. कहाँ पे, बीच पे या कहाँ पे? गाइस प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए. हम चलने को रेडी हैं. वो आइलैंड बोल के मुझे मड आइलैंड का बोल मांडवा अंडमान निकोबार आइलैंड ले चलो. वहाँ पे वहाँ तो लेके जा सकते हैं आराम से. आराम से हाँ, तो कांटेक्ट होंगे उसके. तुम्हें क्या हाँ कोलैबोरेशन, ग्रेविटी ऑफ लव, तुम्हें क्या पता. चलना चलते हैं, चलो बहुत अच्छी होती है. चलो ठीक है, चलते हैं, बाय.